गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई इशू है तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो आज स्टार्ट करते हैं हम जो है 9th और 10th का जो हमारा फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ है, ठीक है ना। बच्चों का डिमांड था तो इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। सो हमारा सो फर्स्ट टॉपिक है सो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द मेडअप ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग, राइट। सो सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल को जनरली हम लिटिल रूम के नाम से जानते हैं। क्या है? इट इज अ लिटिल रूम, ए लिटिल रूम है, राइट। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक लिटिल रूम ओ आर कॉर कहां से बार्क ऑफ द ट्री रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर था सबसे पहले देखा तो जैसे मधुमक्खी के छाते के समान स्ट्रक्चर देखने को मिला, राइट। इसीलिए इस टर्म को सबसे पहले सेल का नाम दिया गया और बताया गया क्या, क्या बताया गया बाबू, सेल बायोलॉजी। क्या बताया गया? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। और जब हम उसको सेल को लेकर के, एक लिविंग बीइंग को लेकर के जब उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, राइट। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप सो कंसिस्ट आईपीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस, राइट। इसको दिखाया गया है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं। जब हम किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल को मेजर करते हैं बेटा, तो उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन? अगर प्लांट सेल है तो हम सेफ्रेनिन का यूज करेंगे, और एनिमल सेल है तो मेथलाइन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। मेथलाइन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे प्लांट और एनिमल सेल की कंस्ट्रक्शन में, राइट। द साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम लीवेनहॉक सॉ फर्स्ट लिविंग सेल। लीवेनहॉक ने क्या किया, सबसे पहले पहली बार लिविंग सेल को देखा, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द साइंटिस्ट हु द रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस, राइट। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई सिल्डन एंड स्वान। सिल्डन एंड स्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी का नाम दिया। बर्चुक ने सबसे पहले प्रपोज जरूर किया, लेकिन एक्चुअली में सिल्डन एंड स्वान ने इसको क्या किया, डिफाइन किया। और ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, ये सेल थ्योरी बताती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल डिफर फ्रॉम साइज शेप एंड स्ट्रक्चर, राइट। बिल्कुल बात सही है, साइज शेप एंड स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल का वेरी करेगा, ठीक। जैसे ऑनियन सेल है, स्मूथ सेल है, सेल ब्लड है, बोन सेल है, फैट सेल है, नर्व सेल है, स्पर्म सेल है, ठीक। सबका सेल का जो स्ट्रक्चर होगा अलग अलग होगा, और इसी वजह से वो परफॉर्म करेंगे क्या, स्पेसिफिक फंक्शन। वेरी गुड। से सिंगल सेल may constitute a whole organism in amoeba or chlamydomonas and paramecium and bacteria, these are called unicellular organism, where in the multicellular organism or division of labor, right. Next, the feature almost every cell is the same, plasma membrane diye gaye hain, nucleus and cytoplasm diya gaya hai, plasma membrane hai kya, ye outermost covering hai cell ki, cell is selectively permeable membrane hoti hai jo ki ek diffusion aur osmosis mein help karti hai, lekin osmosis aur diffusion dono mein farak hota hai, hum kahenge moment of gradient from high concentration to low concentration without helping any energy, बिना एनर्जी की हेल्प से अगर कोई भी मोमेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन कहलाएगा, और अगर उसमें कोई भी जो है एनर्जी लग रहा है, हेल्प हो रहा है, तो ऑस्मोसिस कहलाएगा। सो डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है और ऑस्मोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है, आपको यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज ऑस्मोसिस और दिस इज डिफ्यूजन, राइट।
नेक्स्ट है आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, जब कोई भी वाटर गेन करेगा मीडियम सराउंडिंग सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन तो हाइपोटोनिक कहेंगे, और जब सेल मेंटेन करेगा क्या वाटर कंसंट्रेशन है ना इन रिस्पेक्ट टू वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन दैट इज आइसो, मतलब सेम होगा। ठीक है, इन द सेल लॉस वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। राइट, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ड्रिंकिंग और जो है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर बताया गया है। अगर सेल से कोई भी मटेरियल बाहर जाता है तो एक ऑस्मोसिस कहलाता है दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, और अगर सेल अंदर कोई भी चीज लेती है इंड ऑस्मोसिस कहलाएगा दैट इज इंडोसाइटोसिस, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, और एक्सोसाइटोसिस को हम सेल श्रिंकिंग भी कहते हैं। तो इस कंडीशन को हम एक्सो और इंडोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। सेल वॉल क्या है, ये सेल वॉल ग्रीन पिगमेंट है, एक तरीके से सेल वॉल है जो प्लांट में पाई जाती है, इसमें ग्रीन पिगमेंट जनरली पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। राइट, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ये सेंट्रल स्फेरिकल पोर्शन है जिसको हम जो है सेल कंपोनेंट कहते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसको हार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के आधार पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफाइन करते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव कैरियन लाइक न्यूक्लियस, उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिनमें पाया जाता है, उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। बेटा प्रोकैरियोट का जनरली जो साइज होता है छोटा होता है, यूकैरियोट का जो जनरली साइज होता है वो बड़ा होता है। वेल डिफाइंड नेचर प्रोकैरियोट का नहीं होता, यूकैरियोट का ये क्रोमो जो इसके जो क्रोमोसोम होते हैं जनरली सिंगल होते हैं, और इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हेलिकल होते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे दिए गए हैं बैक्टीरिया और बीजीए, और इसमें फंजाई प्लांट और एनिमल सेल हो सकते हैं। राइट, बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी होंगे, और जबकि प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे। सेल ऑर्गेनेल है क्या, न्यूक्लियस को छोड़ करके न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। राइट, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, प्लास्टिड, ठीक है, ये सब क्या है सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली न्यूक्लियस की जो आउटर लाइनिंग है वो सेल वॉल से अटैच होती है, जो एक फ्रेमवर्क बनाता है, नेटवर्क बनाता है, उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस प्रोटीन सिंथेसिस के काम आएगा, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा एक प्रोटीन ना बना करके फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस करेगा। राइट, नीचे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जनरली इसका जो मीडियम होता है एसिडिक होता है, और ये सेल को क्या करता है जनरली एज लाइक किल कर देता है, मीन्स आत्मघाती थैले के रूप तरीके से आत्मघाती थैले की तरह काम करता है। राइट, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और जो एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करता है ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया देयर ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम्स देयर दे आर मेक देयर ओन प्रोटीन। राइट, प्लास्टिड जो होते हैं केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जनरली इसमें दो प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे मीन्स मेडिकल में जाएंगे या इंटर के बाद आप कंपटीशन में जाएंगे वहां आपको प्लास्टिड तीन प्रकार के पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर दो ही दिए गए हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। राइट, ये क्या है, कलर्ड पिगमेंट है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट है। राइट, वैक्यूल्स जो है आपका जनरली एक पोर्शन है जिसके अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है ना। इनका जनरली स्मॉल साइज होता है इन एनिमल में, प्लांट में जनरली इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। सेल अभी हमने पहले ही बताया, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, जिसका काम है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस दिया गया है, सेल वॉल एब्सेंट होगी एनिमल में और इसमें प्रेजेंट होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिडिटी, किसमें, एनिमल में, जब सेल वॉल इज द आउटर लेयर विच गिव रिजिडिटी टू टर्जिडिटी टू द सेल। राइट, वैक्यूल्स स्मॉल होंगे, वैक्यूल्स बड़े होंगे, प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, जाहिर सी बात है कलर्ड होते हैं तो एनिमल कलर्ड नहीं होते, प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में, न्यूक्लियस जनरली सेंटर में होगा,
और न्यूक्लियस जनरली यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस जनरली साइड में होगा, किसमें, प्लांट सेल, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई, गुड। हमने जो भी चीजें बताई क्लियर आप लोगों को समझ में आई होंगी, एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद करें, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।